हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस पाइस में। आज का टॉपिक है फिर से एक एंडगेम स्टडी, जिसको हम यूज करेंगे अपना कैलकुलेशन इंप्रूव करने के लिए। ज्यादा डिफिकल्ट स्टडी नहीं है, पर इसमें कुछ ओनली मूव्स है जो नहीं करने से व्हाइट जीत नहीं सकेगा। व्हाइट के पास एक एक्स्ट्रा बिशप है, व्हाइट टू प्ले एंड विन पोजिशन है। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें हम देखने जा रहे हैं। तो व्हाइट अगर यहाँ पे कोई नॉर्मल मूव जैसे कि KB2 खेले, लगता है कि पोजीशन को ऐसे भी विनिंग ही एक्स्ट्रा बिशप है। लेकिन H2 के बाद अब BD5 फोर्स और अब KD2 ई पॉन मूव करना पड़ेगा E4 पर, नहीं तो E3 का पॉन लेते ही बिशप से सिर्फ मेट नहीं हो सकता, गेम ड्रॉ हो जाएगा। और E4 करने से H1 क्वीन ब्लैक का विनिंग हो जाएगा, यानी कि ये पोजीशन ड्रॉ हो गया। तो KD2 ब्लंडर था। व्हाइट के पास यहाँ पे सिर्फ एक ही विनिंग मूव है, वो है BD5। दो इंपॉर्टेंट लाइन्स है यहाँ पे, एक वेरिएशन है H2 और दूसरा है King D2 या E2, दोनों में सेम टाइप का पोजीशन आता है। दोनों वेरिएशन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, दोनों में ही कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन्स है। पहले देखते हैं कि E2 या D2 दोनों को E4 फोर्स, उसको H2 करने से E5 को बिशप कंट्रोल कर लेगा H1 को। इसके लिए King E3, तो मूव्स हो गए KD2, E4, KE3, E5, KD4। अब बिशप और पॉन दोनों ही अटैक्ड है और ये पॉन दो मूव में क्वीन होने वाला है। देख के लगता है कि गेम ड्रॉ हो जाएगा क्योंकि क्वींस साथ में ही हो रहे हैं, पर आता है E6, उसको King D5, उसको E7, उसको H2, उसको E8 को H1 क्वीन। दिखने में इक्वल पोजीशन है, लेकिन व्हाइट के पास एक विनिंग मूव है। देखते हैं क्या KE2, E4, KE3, E5, KD4, E6, King takes D5, E7, H2, E8 queens, और अब H1 queen करने पर Queen A8 check और ब्लैक का जो queen है वो चला जाएगा, और कोई दूसरा मूव लाइक KD4 तो Queen C6 और Queen E square को कंट्रोल कर लेगी और व्हाइट विनिंग हो जाएगा। एक तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वेरिएशन था, दूसरा है BD5 के बाद H2। अब बिशप से H1 स्क्वायर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है, तो E4 ब्लंडर है। तो अब ऐसा लगता है कि BF3 चेक सबसे अच्छा है। BF3 चेक, टेम्पो गेन किया चेक के साथ KE1 और अब E4, लेकिन यहां पे आता है King F2 और अब व्हाइट का जो बिशप है वो ट्रैप हो गया, एक ही जगह है H1 पर, उसको KG1। अब बिशप F3 KF2 जस्ट रिपीट होगा और E5 King takes H1 E6 KG1 E7 H1 E8 भी ड्रॉ हो जाएगा। सेम प्रॉब्लम BG2 को भी होगा, BG2 को KE2 E4 KF2, वो भी काफी खराब है। इसके लिए ओनली मूव है व्हाइट के पास इधर बिशप H1, King E2, E4, KF2 और राइट टाइम पे E5 आ जाता है। इसके बाद KG1 को बिशप जस्ट दूर चला जाएगा और E-pawn क्वीन होगा। H-pawn क्वीन होते ही बिशप टेक्स H1, King H1 और व्हाइट E-pawn का क्वीन बनाकर जीत जाएगा। तो इस स्टडी में ज्यादा कोई वेरिएशंस नहीं थे, पर ओनली मूव्स फाइंड करना बहुत जरूरी था। थोड़ा सा लॉन्ग कैलकुलेशन भी था और वेरिएशंस थे। मुझे उम्मीद है कि आपको यह लेसन पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर योर टाइम।